की रिपोर्ट के बाद अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने जयपुर सहित पूरे प्रदेश में ईडी ऑफिसों के बाहर धरना दिया। जयपुर में यह धरना पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में दिया गया। अपने संबोधन में डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और जिसकी हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो जेपीसी की इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है, उसको लेकर के राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने रखा गया था। ये तो शुरुआत है, इनके घुटने टिका के रहेंगे, इनके घोटालों को उजागर करके रहेंगे, इनको जेलों में भेज करके रहेंगे, इनको सत्ता से हटा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक देश के लोगों को लूटने का जो काम किया है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इनकी कलई खुलने लगी है। ये राफेल से बच गए, ये नोटबंदी के घोटाले से बच गए, लेकिन इस जो शेयर मार्केट का जो अडानी जी से मिलकर के ये जो घोटाला किया है, सेबी प्रमुख से मिलकर के, उससे ये कभी नहीं बच सकते हैं। जेपीसी की जांच भी होगी और जेपीसी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये लोग जेलों में जाएंगे, इनका सच उजागर होगा कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग, पूरी की पूरी सरकार अडानी जी के माध्यम से बड़े घोटाले कर रही है।